हेलो देवेक, सो वेलकम टू आ फाइनली लाइव सेशन विद ठक ट्रक। पता नहीं वो कहाँ है, एक सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद हिम। देवेक प्लीज उनसे मैसेज करो कि वो मुझे कनेक्ट करें, मैंने उनको मैसेज भेज दिया है। हेलो ब्रो तुषार, व्हाट्सएप नथिंग मच, लॉकडाउन चल रहा है, आप बताओ कैसे हो? सेम यार, लॉकडाउन का सीन है। फाइनली लाइव सेशन करना ही पड़ गया आपके साथ। हमें देवेक ने बहुत बोला कि आपके साथ लाइव सेशन तो करना ही पड़ेगा। भैया का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ठक ट्रक भैया ने एक हमें क्रिएट किया है, लाइक आगरा में इस जैसा कुछ भी नहीं है, तो हमें लगा कि करते हैं चलो भैया के साथ। तो मैंने आपके काफी मतलब इंस्टा पे काफी फोटोज वगैरह भी देखी ट्रक की, योर ट्रक वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच यार। मैंने उधर वहां का आपका मतलब फूड वगैरह खाया भी है, तो दैट वाज टू अमेजिंग। काफी मिस भी किया आपको लॉकडाउन में कि आप घर से सप्लाई करते थे, आपको ट्रक अपना एक सप्लाई करने गवर्नमेंट से आपको परमिशन ले लेनी थी, तो जिससे आप घर घर जाके लाइक अपना ट्रक आप घर पे खड़ा करते थे और हमें फूड सप्लाई करते थे। पता है पहले पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में क्या, अभी भी ऐसा होता है ना, कभी कभी मेरे पास ऐसा होता है कि मैंने ट्रक क्लोज कर दिया रात को, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे मेरे कुछ हैं जो मेरे को बोल देते कि हम लोग लेट आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, तेरे तू रेडी करके रख, हम तेरे घर से लेंगे। तो मैंने घर से भी बहुत डिलीवरीज की है और अभी भी करता हूँ मैं घर से भी। तो भैया फिर हमें इन्फॉर्म नहीं हुआ आपने घर से डिलीवरी करी, वरना हम भी इस अपॉर्चुनिटी में पीछे नहीं हटते, हम ले ही नहीं पाए, काफी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना ही भूल गए फिर। तो आपका कब आप फिर रियो, सही यार। तो रियो में आप कब कर रहे हो यार, हमारे फॉलोअर्स? हाँ यार, बस वैसे क्या ना, अभी प्लान ऐसा था कि यार मेरे को जल्दी रीओपन करना था। मैं पिछले कुछ दिनों से रेडी ट्राई कर रहा हूँ। एक तो क्या ना, मेरे किचन है जहाँ पे जब मेरा फूड रेडी होता है, वो वहां पे थोड़ा सा कुछ ऐसी ये एक कोई उसके आसपास पे कोरोना पेशेंट था, तो इस वजह से मैंने वो कर दिया उसको, थोड़ा सा पोस्टपोन। मैंने कहा जब तक वहां पे सब क्लियर नहीं हुआ था तब तक नहीं करते। अब यार प्लान ये है कि वैसे तो 20th का था, लेकिन अब स्टिल जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 25th तक मोस्ट प्रोबेबली चालू हो जाएगा, हम लोग स्टार्ट कर देंगे 25th तक। और टाइम इतना ज्यादा लेने का एक और वो भी है, अब देखो जैसे क्या ना, ये कोरोना चल गया है, सबसे इसमें क्या चीज चल रही है, इम्यूनिटी वाला सीन चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ने मेन्यू को थोड़ा सा इस तरह से उसको रीइमेजिन किया हमने, कि उसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें डाल रहे हैं, हम लोग शेक्स ले आ रहे हैं, हम लोग है ना, फुल एवरीवन, और काफी इम्यून बूस्टिंग मतलब हमारे हेल्थ के लिए भी काफी हेल्थ कॉन्शियस रहेगी वो, मतलब मोटा नहीं करेगी वो, आप कहना ये चाह रहे हो? मोटा नहीं करेगा, मसल बढ़ेगा मोटा नहीं करेगी। तो भैया फिर तो आपको चीज के प्रोडक्ट आपको बंद करने पड़ेंगे अपने ट्रक के, और आपका जो बर्गर है ओवरवेलमिंग बर्गर आपका जो है वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वो आप कंटिन्यू रख लो मेरे लिए, मैं तो जरूर आके खाऊंगा दो तीन शुरू में ही। कंटिन्यू रहेगा ना, अब क्या है ना, हम लोग क्या है ना, जैसा सिनेरियो चल रहा है ना उसके हिसाब से हम लोग चीजें कर रहे हैं। अब क्या है ना, अब हम लोग ने क्या किया, जैसे ब्रेड्स हो गई या बर्गर के बंस हो गए ना, अब हम लोग क्या है मल्टीग्रेन पे जा रहे हैं, अब नॉर्मल वाला बन ना यूज करके नाउ वी विल बी यूजिंग मल्टीग्रेन, ताकि वो हेल्थ कॉन्शियस लोग और किसी का वो भी ना पड़े। कैन इश्यू तुषार, कैन यू हियर मी, सुन पा रहे हो मुझे? आपका थोड़ा, हाँ आप आ रहे हो, आप क्लियर हो आ रहा मैं?
क्लियर हूँ? ओके ओके, तो यार वही चीज है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अब जो चीजें थी ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग वो यूज कर रहे थे अपना, हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं ठीक है फ्राइंग के लिए, फॉर्च्यून का सोया हेल्थ, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सोया चेंज करके हम लोग पीनट ऑयल यूज करने वाले हैं। अब हम लोग वो क्या है ना, पीनट ऑयल से टेस्ट ही बदल जाएगा उसमें, तो अगर आप जैसे पीनट का यूज करेंगे तो लाइक टेस्ट में भी बहुत ज्यादा अलग चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, थोड़ा डिफरेंस आएगा टेस्ट में, उससे क्या होगा क्योंकि बल्कि बेटर होगा, क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई चीज रिफाइंड ऑयल में हम लोग फ्राई करते हैं ना, तो रिफाइंड ऑयल उस पर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन पीनट ऑयल का उल्टा है। पीनट ऑयल में अगर आप कोई चीज फ्राई करोगे ना, तो पीनट ऑयल कम एब्जॉर्ब होगा उस पर। तो जैसे बर्गर की पैटी हो गई या हमारे पोटेटो चॉप्स हो गए, तो ये सब चीजें ना फ्राई करने पे वो ऑयल उन पे कम जाएगा, तो हेल्दी रहेगा वो और लोगों के लिए और बढ़िया रहेगा। तो ऐसा सीन, मतलब आपने हमारे जो फॉलोअर्स है उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए काफी ये मेन्यू सेट किया है। लॉकडाउन में नई चीजें आपने इन्वेंट करी है और आपने एक नया मेन्यू क्रिएट किया है आगरा के लिए कि आपको कुछ नया मिलेगा ठक ट्रक की ओर से, और वो भी बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट होगा एक्सपीरियंस करने को होगा कि हाँ वी गेट समथिंग न्यू फ्रॉम ठक ट्रक। आगरा में कोई और शायद इतना लाइक अपने फॉलोअर्स या फिर अपने कस्टमर्स का हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपकी तरफ से इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आर फॉलोअर्स एंड आर फैन फॉलोइंग ग्रेट और अपग्रेड। बस आप बर्गर में कुछ मत करना, बस आप बर्गर में कुछ मत करना, वो जैसे है वैसे ही रहना, वो टेस्ट तो कहीं पे नहीं मिलना है। ऑथेंटिक बर्गर को ऑथेंटिक बर्गर ऑथेंटिक ही रहने देंगे। और दूसरी चीज ये है कि अब जैसे कि वो मैं क्या बता रहा था, कुछ अभी एक बढ़िया सी मेरे को ये चीज याद आई थी मुझे, बर्गर की बात चल रही थी, क्या था हम लोग क्या बात कर रहे थे, बर्गर की ना? हाँ आप बर्गर की और पीनट उसकी ऑयल की बात बता रहे थे आप। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था ना, मैं मनी ब्रो क्या हाल है एक्चुअली क्या है ना, तो ये ऐसा सीन है कि मेरे ट्रक पे मेरे कस्टमर से ज्यादा मैं था। मैं मतलब जब ट्रक स्टार्ट होता है ना, तो मैं स्टार्टिंग से ऑर्डर करना शुरू करता हूँ। पहले लाइट सामान खाता हूँ मैं, हाय नम्रता, और फिर हेवी पे जाता हूँ, सैंडविचेस भी ट्राई करता हूँ, बर्गर भी खाता हूँ, रोल्स भी खाता हूँ। तो मेरा खुद का वेट बढ़ता जा रहा था, तो मैंने यश ब्रो क्या हाल है, तो मैंने क्या किया, खुद का अपने खुद का ध्यान रखते हुए भी मैंने इसीलिए मेन्यू को थोड़ा सा ऐसा किया है जिससे ना तो मेरा फैट बढ़े ना मेरे कस्टमर्स का फैट बढ़े, मेरे लिए भी हेल्थ कॉन्शियस हो, मेरे कस्टमर के लिए भी हेल्थ, मेरे सारे कस्टमर भी हेल्थ कॉन्शियस है तो उनके लिए भी हेल्थ फाई हो। तो इसी वजह से, बट एक चीज बताओ आप, जैसे कोई बर्गर खाता है, दो तीन बर्गर खा लेता है, बट उसका वेट तो बढ़ता ही नहीं है, वो बड़ा परेशान है, अरे हल्क वी आर गोइंग लाइव यार, अभी साइड में जाओ, अभी थोड़ा सा बाद में आना ये कस्टमर से कस्टमर जरा लाइव को सुन के आ गए थे मेरे यहाँ पे पोटैटो चॉप तुषार मैं बता रहा हूँ ना, जब से मैंने ट्रक बंद किया है ना, तब से भाई ऐसा सीन हो गया है कि जो रेगुलर वाले हैं ना उनके फोन आते हैं कि भाई अगर ट्रक नहीं लग रहा तो ठीक है हमको बना के दे दे तू थोड़ा सा, ताकि हम लोग ले जाए ना खा ले। बना के ही देना सबसे ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज एक आदत लग जाती है, उस आदत से हम पीछे नहीं हट सकते, बैक ऑफ नहीं कर सकते, तो वो हमें एक हफ्ते में या ट्वाइस इन अ वीक हमें चाहिए चाहिए वो चीज, वो जरूरी भी है हमारे लिए। एक्चुअली हेल्थ खराब हो जाती है अगर हम कुछ, एक कोई फेवरेट चीज होती है वो अगर हम नहीं खाते हैं, तो हमारी एक हेल्थ लगती है यार अंदर से कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप दाल रोटी नहीं खा रहे आप कोई सही कह रहे हो, सही कह रहे हो वाला, जिसको दाल रोटी पसंद है अगर आप उसको दाल रोटी ना दो, तो आफ्टर कपल ऑफ डेज उसको लगे मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है, वो
कुछ इंसिडेंट हो गया क्या मेरे साथ, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया क्या, कुछ लग लगा गई है मेरे साथ, अभी मेरे साथ लाइव में अभी भाई मनी भाई है, मनी ब्रो, पुन्नू और दलजीत, हाय एवरीबॉडी, भाई ये मनी मनी ब्रो है हमारे, मनी ब्रो क्या है ना हेल्थ फ्रीक आदमी है, मनी ब्रो एब्स वाला आदमी है, वो उसके सिक्स पैक एब है, पेक्टोरल मसल्स बना रखी है भाई ने, और ड्यूक अपने ड्यूक वो है क्लब उसका मेंबर है भाई, तो ये बहुत हेल्थ फ्रीक बंदा है। मेरे आता है ट्रक पे, इसकी दो चीज फेवरेट है, मतलब हेल्थ, इतना हेल्थ फ्रीक हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद भी भाई आके मेरा क्या लेता है, दो चीज खाता है यार, एक सोया मलाई चाप खाता है क्योंकि उसमें सोया है तो सोया से उसको प्रोटीन मिलता है, एक पनीर फ्रेंकी लेता है, पनीर फ्रेंकी में भी सेम सीन है, इतना लोडेड पनीर होता है उसमें, उससे भी इसको प्रोटीन मिलता है, और चॉप्स तो इसके फेवरेट है, चॉप्स से इसको प्रोटीन नहीं मिलता लेकिन तब भी खाता है ये तो है यार मेरे पास बहुत। अब हमें तो भैया देखो लाइक इतना पता नहीं कि जिम में क्या होता है, कभी नाता रखा नहीं, बस दो दिन ही जाते थे जिम, थर्ड डे तो मोमोज की सेल या फिर कहीं पे कोई फास्ट फूड कॉर्नर पे जाना होता था, क्योंकि इन्वेस्ट आप मनी वही करो जहाँ पे आपको रिटर्न में कुछ मिले, जिम वाले रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं, फूड ट्रक वाले आप जैसे भैया हमें कुछ देंगे रिटर्न में, सही है मिलेगा मिलेगा सबको, यहाँ पे आजकल गिव एंड टेक का सिस्टम हो गया है, एक हाथ लो एक हाथ दो, आपको हम एक हाथ देते हैं आप दूसरे हाथ में हमें इतना सब कुछ दे देते हो कि हमारी लाइफ ओवरवेल्म्ड हो जाती है, लाइक अनलिमिटेड स्वर्ग, हमें यही स्वर्ग मिल गया है, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, सब छोड़ो कॉलेज लाइफ सब खत्म करते हैं, यहीं पे रहते हैं थोड़े दिन यही रहते भाई, सीरियसली भाई पता है ना एक चीज यही होती है यार, कोई आता है ना जैसे खाने के लिए तो लोग आते ही आते हैं, दूसरी चीज क्या था लोगों को थोड़ा ये लगता है कि यार कहीं पे चले जाओ थोड़ा सा चिल आउट हो जाएगा, हैंग आउट करके आता कहीं बाहर की जगह पे, थोड़ा मेरे क्या म्यूजिक व्यूजिक चलता रहता अपना फुल टाइम, तो उधर लोगों को ऐसा मजा आता है, खाते हैं अपना, मिल सुनते हैं अपना, चले जाते हैं, और मेरे बेस्ट, अब मेरे को भी क्या है ना घर पे बैठे बैठे पूरे दिन वो लगता है, और फूड तो आप क्या ही कहो आपका, फूडिंग तो कोई वो ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन किसी कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हो आपको, मतलब लाइक बेस्ट सही है, जल्दी से ओपन करो जिससे हमारे फॉलोअर्स जो भी जितने ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपके ठक ट्रक को, मतलब खुले आपके पास जाएं, आपका जो नया मेन्यू है आपने जो रखा है वो आपका ट्राई करें, तो आप जल्दी से ओपन करो। तुषार एक काम और करेंगे, तुषार अभी जैसे जब हम लोग फाइनली जिस दिन करेंगे रीओपन ना उससे एक दिन पहले वी विल गो एक बार अगेन लाइव है ना, एक बार ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले वैसे तो क्या था ना इस लाइव में मेरे को फाइनल डेट थी मेरे, जैसे हम लोग की पहले बात हुई थी तो मैं इस लाइव में फाइनल डेट बताने वाला था, लेकिन मैं मतलब मेरी तरफ से गलती हुई है कि मैं अभी तक आपको फाइनल डेट नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग क्या ना हम लोग हो सकेगा तो एक लाइव और कर लेंगे और मैं आपको फाइनल डेट दे दूंगा, जिससे उससे पता चल जाएगा लोगों को कि वो रहेगा, और एक आपने मैंने आपके उस पे पोस्ट देखा था एक आपके पेज पे, और मैंने भी उसको शेयर कर दिया कि जो हमारी इस लाइव में है वो अपने नाम के साथ अगर स्क्रीनशॉट लेके हमारे पास आएगा फर्स्ट डे पे तो हम लोग उसे 50% ऑफ देंगे, तो वो आज के लिए वैलिड है, और आप नेक्स्ट जो हमारा लाइव सेशन होगा ना गाइस प्लीज आप फूडी दैविक पेज पे जब भी पोस्ट आएगा तो आप प्लीज ध्यान रखना, आप जब भी मुझे इस पेज के रेफरेंस से आप मेरे पास आओगे आपको स्क्रीनशॉट के साथ लेकिन तो आपको फ्लैट 50% और मिलेगा ऑफ खाने पे जो भी लोगे आप, बिल्कुल बेस्ट है, आप एक डिश के रूप में आप दो डिश खा सकते हो, कितना ही बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी चीज ये है ना बिजनेस तो चलो है ठीक है, लेकिन इट्स मोर अबाउट मेरे लिए, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पे क्या ना थोड़ा पैशन वाली चीज है, मेरे को ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने हैं, बस इतना हो कि भाई जितना मैं लगा रहा हूँ मेरा उतना रिटर्न में वापस आ जाए, और दूसरी चीज क्या है ना वहां पे मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मेरे कस्टमर से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मतलब
एक तो क्या ना फ्रेंड्स आते हैं और ऊपर से जो कस्टमर्स आते हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो एक तरह से मेरे लिए तो बस वो हैंग आउट प्लेस है, बिजनेस करने तो जाता ही नहीं हूँ मैं तो वहां पे बस चिल करने जाता हूँ और उसी में लोग मुझे पैसे भी देते हैं वहां पे आके चिल करने के लिए। तो ऐसा सीन है यार। आपका मोटिव बहुत अच्छा है, आपके लाइक जो आपने टारगेट चूज किया है वो भी बहुत बेस्ट है। लाइक आपने जो अभी एक जो एक सिनेरियो एक ओपन किया कि हमारे फॉलोअर्स को 50% ऑफ भी मिलेगा, वो भी बहुत बेस्ट है। आजकल कहीं पे भी ऑफ नहीं चल रहा है, कोई ऑफ नहीं दे रहा है, और इस टाइम पे ऑफ देना आपका एक मतलब हमारे फॉलोअर्स के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो सब आएंगे यार भीड़ लगनी चाहिए, बट हाँ देख लेना थोड़ा जल्दी जल्दी दे देना, किसी को ये नहीं हो कि कोई बेचारा क्या भैया बहुत टाइम लग गया कि भैया मिला नहीं, 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 बहुत नहीं, टाइम लग गया वहां पे, बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी, ऐसा मत करना, जल्दी जल्दी से दे देना। नहीं नहीं सबको सबको एवरीबॉडी सबको जल्दी मिलेगा यार। मेरा और दैविक का सुबह से ही मैं आपको फोन कर दूंगा, आप मिलकर देना या फिर घर से आप मिल दो, मेरे तो पैक तुम लोग के तो घर पे ट्रक ले आऊंगा मैं, तुम लोग घर पे से अपना ऑर्डर करना, घर में डिलीवर करूंगा तुम्हें ट्रक के साथ। अरे हाँ एक और चीज बतानी थी लाइव में, क्या है ना अभी पहले वैसे तो अभी कोरोना के चक्कर में उन्होंने बंद कर रखा था, लेकिन जब ट्रक रिपोर्ट हो जाएगा तो हमने वापस से वही प्राइवेट पार्टीज और वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तुषार क्या है ना पहले मैं कहता था हमारा प्राइवेट पार्टीज वाला है, दैविक करा चुका है एक दो बार, तो वही सीन है, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग I'm missing it when I sit for 2 hours and listening. Okay, Devik. तो ऐसा है ना, तो हम लोग तो वापस से प्राइवेट पार्टी स्टार्ट हो सकती है, तो आप लोग बुक करा सकते हो किसी भी चीज के लिए, पूल पार्टी हो, आप लोग का फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो। बस एक चीज है ना, आप लोग के पास जगह होनी चाहिए, एक प्लेस हो, बाकी फूड और सर्विंग का पूरा मतलब बस आपके पास लगा देंगे, आपको सर्व करेंगे गर्मा गर्म, आप लोग बस एंजॉय करो बस। तो वो स्टार्ट कर देंगे हम लोग उसके बाद भी, है ना। तो अब फिर वही है कि जो लाइव नेक्स्ट होगा उसमें मैं आपको फाइनल डेट्स बता दूंगा, और तब तक के लिए कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। रेसिपी में रेसिपी बताऊंगा नहीं मैं, कोई वो मेरी है रेसिपी चाहिए नहीं, बस आपके हाथ में नंबर चाहिए, आप जल्दी से स्टार्ट कर दो, हमें रेसिपी से कोई मतलब नहीं। देखो ठीक है, ठीक है, आम खाओ गुठलियां क्या गिनना, गुठलियां क्या करेंगे गिन के, हमें जब आ रहा है टेस्ट, जब मजा आ रहा है तो आप लोग आप लोग आम खाओ, उसका शेक पियो, सब करो, बस मैं बैठा हूं आप लोग को वो शेक बना के देने के लिए। बाबा कपड़े फाड़ दो ईशुबा हेलो यार मेरे फ्रेंड्स बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जितने भी ज्यादातर लाइफ में जो मेरे पास अभी चल रहे लोग सब फ्रेंड्स ही हैं सारे के सारे, और वहां पे भी ऐसे ही मेरा बिजनेस मेरे फ्रेंड्स की वजह से चल रहा है, मेरे रिलेटिव्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए। सही है, सही है, बेस्ट है। चलो अब तो वेट ही रहेगा कि आपका ये अपना ठक ठक जल्दी से ओपन हो। अच्छा मेरे आप फॉलोअर्स को ये और बता दीजिए आपकी लोकेशन, अब करंट लोकेशन क्या रहेगी, इधर से उधर ना हो जाए बेचारे, कोई सोचे कि वहां की रोड बंद है या फिर कोई एरिया बंद हो, सील्ड हो अभी भी, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं अभी आगरा में जो सील्ड है, वहां पे जाने का रास्ता दूसरी तरफ से है, तो आप उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो कि क्या है प्रोसीजर और कैसे है। देखो गाइस ऐसा है ना, आप लोग को आना है सेंट कॉन्रेड्स के पास खंडारी के आगे, बाबा कीमा पाव खिला दो, बाबा खिलाऊंगा कीमा पाव, मेरे पास स्टार्ट होने दो ट्रक तो कीमा पाव खिलाऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, सेंट कॉन्रेड्स के पास आना है, सेंट कॉन्रेड्स से आप थोड़ा सा आगे आओगे ना अशोक हॉस्पिटल की साइड, मेन लैंडमार्क है अशोक हॉस्पिटल, आप लोग को सेंट कॉन्रेड्स से अशोक हॉस्पिटल की साइड आओगे तो वहां पे सुलभ विहार कॉलोनी बड़ी सी मतलब है, फेमस कॉलोनी है, सुलभ विहार की एंट्रेंस नंबर 1 है, जो गेट नंबर 1 है, बखड़ा होता है मेट का। बाकी आप गूगल पे भी कर, गूगल पे अगर आप टाइप करके थर्ड ट्रक ढूंढोगे वो तब भी मिल जाएगा मैप्स पे, और अगर मैप्स पे नहीं मिलता है तो आप वहां पे मेरे ट्रक के पास एक स्टोर है वो प्रोविजन स्टोर करके, तो वहां पे भी आप डालोगे तो वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच जाओगे। चौधरी कैसा मेरे भाई, अपने को सेशन अभी मेरे को अपने को लग रहा है लाइव रहना चाहिए, अब व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ व्यूअर्स को बढ़ेंगे आपके साथ जो कोलैबोरेशन चल रही है। ओके मोमोस कब खिला रहा है, कुछ कुछ खिला रहे हो उधर भाई, मोमोस कुलचा।
फ्रैंकी सैंडविच सब खिलाऊंगा, डिस्काउंट देती हो। उदय फ्लैग 50 चल रहा है, इसका अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट ले लो इसका लाइव चैट का, और तेरे को तो चल मैसेज दूंगा यार, तू क्या ले रहा है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए फॉलोअर्स हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर है। हाँ तो शायद आप भी बता दो एक बार। अच्छा ऐसे मत करो कि आप ऐसे दे दोगे, स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा तभी लीगल माना जाएगा वो। यस यस बस बस बिल्कुल, स्क्रीनशॉट इज इलीगल, वरना फिर हम आपको अपना आलिया भट्ट थोड़ा कंपैरिजन में डाल देंगे, वरना फिर आप देख लेना। नहीं मैं विनोद नहीं, मैं विनोद नहीं हूँ, मैं विनोद नहीं हूँ। डेविड तो आपका बहुत बड़ा फैन है, आपके फूड की उसने बहुत ज्यादा मतलब लाइक मैंने अभी कल पोस्ट भी करी थी, जो हमने फूड आपका टेस्ट किया था, बर्गर था उसमें, उसमें पोटैटो का कुछ एक डिश थी, पोटैटो चॉप्स, यस यस, और भी डिश थी मतलब लाइक बेस्ट आपका, मतलब लाइक कोई मतलब रेटिंग भी नहीं, रेटिंग भी ठीक है। आप बताओ भाई, लोग तो बोलते हैं बिल्कुल भाई इशू भाई, ओके डन है, जरूर मिलेगा 100% ऑफ, सब सबके लिए ही 100% ऑफ, 100% ऑफ में तो, 100% ऑफ में तो पता नहीं क्या क्या लोग पूरे दिन बैठे रहेंगे, करेंगे धीरे धीरे खाते हैं, एक चेयर और एक टेबल घर से ले आएंगे, आराम से बैठ गए भैया, नजारा दिखाते रहो हाईवे का और आराम से बैठ के खाओ। वैसे सबसे बेस्ट है आपका हाईवे, हाईवे और देखो आराम से वहां पे दो चेयर और लगा लो, एक रेस्टिंग चेयर और एक बीच में छोटी सी टेबल यार, और तो सर यही यही यार यही प्लान कर रहा हूँ मैं। अब क्या ना विंटर्स आने वाली है, अभी प्लान करते हैं कि वो अपनी वो वैक्सीन आ जाए तो आई जाए, बाकी तो अपना वो है ही। लेकिन विंटर्स में क्या कर रहा हूँ मैं, लास्ट विंटर से सोच रहा था मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन लास्ट पिछले साल की विंटर्स में तो कर नहीं पाया मैं, तो इस साल क्या करेंगे ना अपन लोग वहां पे बाहर बॉनफायर और चेयर्स और खाना और कॉफी, तो एक मस्त अरे बिगड़ेगी हमेशा यही मांगेंगे कहेंगे, फिर अगर आपने बंद कर दिया तो आपके घर पे आ जाएंगे, आपके ट्रक निकलवा के प्रॉपर सेटअप करवा के कहेंगे अब करो, फिर आपको ही देखना पड़ेगा। अरे नहीं यार मैं तो चाहता हूँ यार, सही है नहीं यार बिल्कुल नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, एंजॉय करो यार, एंजॉय करने की लाइफ है, आगे चल के बड़ा लफड़ा रहता है। तो आपने कुछ टाइमिंग वगैरह का सोचा है कि कितने बजे से आप लगाओगे और कैसे कुछ? ये देख रहा है तू क्या बोल रहा है, वो कह रहा तेरा कहना ही वैक्सीन है भाई, ओके भाई वैक्सीन बन नया मेन्यू सर, भैया का वैक्सीन ही बन के आया है, आपको प्रोटीन कैल्शियम जो भी है बिल्कुल 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 यार। अभी हम लोग क्या सच में है ना, अभी इस टाइम पे प्राइमरी फोकस मेरा इसी पे है, प्राइम फोकस कि जितना भी खाना बन रहा है ना वो उससे हम लोग हेल्थ को ज्यादा फोकस करते हुए बनाए, क्योंकि यार अब क्या है ना फास्ट फूड वैसे तो मेरे सब लोग खाते ही हैं, लेकिन मैं भी जैसे कहीं खाने जाता हूँ तो मैं ये प्रेफर करता हूँ पहली बार तो हाइजेनिक को, नॉनवेज ऑल्सो। गौरव ब्रो यार ट्राई तो मैं कर रहा हूँ नॉनवेज का, आप होप करते हैं कि इस साल नॉनवेज आ जाए, बाकी अभी तो यार वेज ही चल रहा है अभी तो। एक्चुअली मैं कहना जिस यार एरिया में मैं लगाता हूँ ना वहां पे कहना मोस्टली वेज वाला इन्फ्लुएंस है वेजिटेरियंस का, तो मेरी ऑडियंस ज्यादातर वेजिटेरियंस, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं नॉनवेज के लिए यार, लेकिन उसकी वजह से लगा नहीं पा रहा हूँ मैं यार, क्योंकि यार कस्टमर्स का थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ अब ये है कि अब इस जगह से अगर मैं मूव करके कहीं और जाता हूँ तो मैं नॉनवेज स्टार्ट करूंगा आपसे भी, बाकी तब तक ये तब तक वेज चल रहा है। ने हैशटैग किया कोविड किल अंडरस्कोर चाप, कोविड किल चाप, ये सफेद ब्रो कैसा है मेरे भाई, कौन सी वाली चाप है सर, मेंशन तो कर दीजिए, आपको मेंशन करना चाहिए। हाँ चाप यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, एक्चुअली क्या है ना सोया चाप की बात कर रहा है, मुझे पता है मैं जानता हूँ सबके, मेरे कस्टमर्स को क्या पसंद है मैं सबके बारे में जानता हूँ, तो सबने सोया चाप में उनको यार भाई तू जब भी आएगा यार, ये मेरा भाई है ये लखनऊ में रहता है, फ्रेंड है मेरा, तो अब ये भी आता है ना इसको चाप बड़ी पसंद है, चाप खाता है, पुदीना मोमोज बना ले, ओके इशू बाबा पुदीना मोमोज भी मिलेंगे तुमको, और बस कुछ ना कुछ ये तो कुछ ज्यादा ही वो हो गया, हर्बल हो गया, हर्बल सब कुछ चाहिए, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आने चाहिए।
नेचुरल तो हमारे सारे क्या चीज पुदीना मोमोज क्या तो कभी मैंने तो आज तक ट्राई नहीं किया पुदीना मोमोज, मेरे को तो पनीर मोमोज ही सबसे बेस्ट लगते हैं, वही खाता हूँ आंख बंद करके। सपनों में अगर आप वैरायटीज ऑफ मोमोज तो पनीर मोमोज भी मैं खाऊंगा, बाकी सारे रखे रहेंगे, पनीर मोमोज ही जान है। सही है यार तुषार, अब दोबारा रिपोर्ट करूंगा तो आओ बड़े हो आप बताओ भैया। हाँ ईशु भाई बढ़िया हो यार, सही है सही है। चलो आपका आएगा मैगी, मैगी देविक ने लिखा है मैगी, देविक मैगी 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 भी बहुत सारी मैगी नहीं लाती है मियाँ पे। यार मेरे पास पता है बहुत लोग मैगी के लिए बोल रहे हैं, मैगी भी एक चीज है जो मैं अभी तक मैंने मतलब नहीं कर पाई है, लेकिन नूडल्स रखता हूँ मैं यार, नूडल्स और वो तो है मेरे पास, लेकिन अब यह है कि मैगी भी चलो करते हैं तो तुलसी नेम बीन डाल दें मोमोज में, देसी नेम इज द लस्सी इशू, नेम इज द इशू, इंडियन तुलसी नेम सब डाल दो मोमो में, देसी वैक्सीन, देसी वैक्सीन। अरे काढ़ा बन गया ये तो, काढ़े के आगे तो कुछ भी नहीं हुआ। काढ़ा मोमोज काढ़ा आप अगर इस मोमोज को काढ़े वाले इन्वेंट कर रहे हो, मोमोज अगर मतलब लाइक करना चाहते हो तो आप इसका देना काढ़ा मोमो। ओ ड्रॉजम भाई, हाँ गाइस ये ड्रॉजम पेज है भाई, इसको भी कोई फॉलो कर सकता है आप लोग, ये बहुत बढ़िया इलस्ट्रेटर है, मेरे पेजेस के लिए भी इसने काफी काम किया है। तो भाई बाकी अपना फूडी दैविक, फूडी दैविक तो है ही, अब मेरा इस बार अभी फूडी दैविक के साथ पहला ये लाइव सेशन है, और मैं भी प्रे करता हूँ कि आगे चल के खूब लाइव सेशन हो। आज ऑडियंस 10-12-15 जा रही है, कल कुछ दिनों में 10-15 हजार भी जाए, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो चाहता हूँ जिस हिसाब से तुम लोग के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना भाई, इतना अच्छा लगता है ना मेरे को देख के, तुम लोग ने भी कुछ टाइम पहले ही पेज स्टार्ट किया है ना, तो और उसके उसके बाद भी तुम लोग को ऐसी बढ़िया, हाँ, उसके बाद भी तब भी तुम लोगों की इतनी फॉलोइंग बढ़ती जा रही, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ऐसे करते रहो, लाइव मेरे साथ आते रहो, मेरे को भी भाई करो प्रमोट तुम लोग, नहीं तो फिर आपको जो अपना जो ट्रक है आपको उसको फिर अपनी ब्रांचेस बढ़ानी पड़ेगी आगरा में, एक अरे सदर में भी बाबा करनी बिल्कुल पड़ेगी। प्लान प्लान ही सदर में तो है, मैं पता है ना सदर में यार, एक तो कहना सदर मार्केट में तो इशू है यार, क्योंकि मैंने मार्केट में सदर मार्केट में लगाने का ट्राई किया था तो वहां पे यही लफड़ा हो गया, एक दिन में गया था 15 लास्ट 15 दिसंबर वो 15 अगस्त को लास्ट वाली पे गया था मैं, तो यहाँ यही सीन हुआ था, वहां पे मेरे को मना कर दिया था उन लोगों ने, क्योंकि वहां पे सदर कैंट के जो लोग है ना उन्होंने मेरे को बोला आप 10:30 नाइट में 10:30 के बाद लगाओ, क्योंकि वो कह रहे थे हम लोग आउटसाइड वेंडर्स को अलाउड नहीं कर रहे लगाने के लिए। तो यार ये मेन सदर में तो नहीं लग सकता, बाकी कहीं और अगर होगा तो बिल्कुल पक्का सदर भी। एक काम करो आपको मैं अपना आफ्टर लाइव चैट में आपको अपना यूजर नेम प्रोवाइड करूंगा, मुझसे थोड़ा पर्सनल करना कि मैं आपको बताऊंगा एक सदर में एक लोकेशन है तो थोड़ा ओके डिस्कस करेंगे उसके बारे में, अगर इफ एनी पॉसिबल कि अगर वहां पे लग सकता है तो दैट बी ग्रेट। फतेहबाद रोड वाले जितने भी हैं जो हमारे फॉलोअर्स हैं और जो फूडीज हैं जो आपके ट्रक तक आते हैं, बहुत दूर है वो भी, फतेहबाद रोड से आना पूरा एंड पड़ जाता है, सच है यार बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है कि आप तक सदर तक आना, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे और होप सो कि सदर में आपकी एक और एक ट्रक हमारा लगे ठग ट्रक के नाम से और भैया उस पे और सदर वाली ब्रांच में बिठा लेंगे आपको, ब्रांच में तो बिल्कुल आपको भाई चाहिए। सदर वाली पे बैठूंगा, चिंता मत करो, अगर दर सदर में करता हूं तो कब तक देविक के साथ बैठे रहोगे, हमारे साथ भी थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं तुषार पक्का कंफर्म है, नहीं नहीं आपके पास भी मैं जल्दी आता हूँ, और अब तो 9 बजे तक चलेगी अभी तो 9 बजे तक चलेगी ओके डेविक चलाएंगे आराम से, कोई इश्यू नहीं है वो तो, बस ये है कि ट्रक जल्दी ओपन हो जाए, जल्दी से हम खाएं पिए थोड़ा मस्त हो जाए, अभी तो कुछ खा ही नहीं रहे। नेम इज द इशू, कमेंडेड पावर ट्रक टेम्पो सब लगा दे, ग्रैंड ठग ऑटो, सर ये तो ग्रैंड जीटी है भाई, मेरा जीटी का फैन है बेस्ट है बेस्ट है, सब जगह आपकी ब्रांचेस ओपन होनी चाहिए, 2-3 आपको फ्रेंचाइजी और ट्रक अपने आगरा में कर लेने चाहिए, जिससे बेचारे पास के बच्चे सुबह से चले जाए आपके ट्रक के पास आके थोड़ा चिल आउट करें, ऐसा भी नहीं हो कि पूरे ही खाते जा रहे हैं बीमार बीमार हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए फॉलोअर्स, नहीं 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 बिल्कुल नहीं भाई, नहीं बिल्कुल करना, जितना हो उतना ही खाना, आराम से खाना, पेट भर के खाना, भैया के पास आइटम की कमी नहीं है,
सब तुम्हें देते जाएंगे, रोज रोज नया आइटम तुम्हें मिल ही जाएगा अगर तुम एक एक आइटम भी रोज खाओगे। अच्छा भैया आप अपना मेन्यू थोड़ा मेरे फॉलोअर्स को थोड़ा बताओ कि क्या मेन्यू है, हो सकता है कोई नए हैं यहाँ पे और पुरानों को तो पता ही होगा कि आपका मेन्यू क्या है, तो नया मेन्यू आप बताओ। गाइस हमारे पास क्या है ना, देखो अभी तो पुराने में क्या है ना, हमारे पास रोल्स में वैरायटी है, सैंडविचेस में वैरायटी है, और मेरे पास क्या है ना मोस्टली क्या है ना स्नैक्स है। स्नैक्स बोले तो एक तो अब मेरे जो हमारे जो पार्टी पीपल है, जो पार्टी चिल वाला जो थोड़ा सा वैसा, उनको स्नैक्स चखना टाइप चीजें चाहिए, अपने पास वो भी है ठीक है, जिसको हाँ ठीक है जिसको है। देखो चखने के लिए मेरे पास बेस्ट चीज है पोटैटो चॉप्स, पटेटो चॉप्स की बेस्ट है, वो किसी भी चीज से जाती है, वो बियर के साथ भी जाएगी, विस्की के साथ भी जाएगी, शेक्स के साथ भी जाएगी और कोल्ड कॉफी के साथ भी जाएगी, जिसके साथ आपको खाना हो खाओ दूर। और मेरे पास मेन्यू में भैया रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन है क्या, कौन सी विस्की या फिर कौन सी ब्रांड के साथ जाना है? वो तो आपका गेट नहीं, वो तो ये गेट योर ओन पॉइजन, आप अपने हिसाब से अब जो करना हो करें अपने हिसाब से आपको जो है, हम लोग सिर्फ खाना देते हैं बस, हमारा काम वहां खत्म होता है। तो खाना है ये ठीक है, ये स्नैक्स में ये चीज हो गई मेरे पास, और फ्राइड मोमोज हैं, और कभी कभी हम लोग पनीर के वो रखते हैं स्टिक्स पे, फ्राइड क्रिस्पी पनीर स्टिक्स वो भी है। बाकी रोल्स में मेरे पास बेस्ट, मेरे पास क्या है ना जैसे बाकी जगहों पर जाओगे ना आपको एक मेन्यू मिलेगा कि इसमें भाई 20 चीज इसमें 20 चीज है, मेरे वैसा सीन नहीं है, मेरा क्या है ना लिमिटेड सामान है और बहुत सिलेक्टिव चीजें हैं। स्नैक्स में 3-4 चीजें हैं, रोल्स में मेरे पास क्या है ना हमारे जो खुद के इन्वेंटेड रोल्स हैं जो बेस्ट है वो है। मेरे पास सोया में 2 रोल है, मलाई चाप और नॉर्मल सोया चाप ठीक है, किसी को क्रीमी जैसे किसी को वैसा मलाई वाला रोल खाना होता है ना, मलाई वाले चाप वो ले सकता है, मलाई चाप रोल। पानी आया ना, मैं भूख लगाई है, मैंने अभी डिनर नहीं किया, बता रहा हूँ। <ना। laughs> कोई बात नहीं, और मेरे को पता नहीं है यहीं पे, अगर गाइस मेरे फॉलोअर्स इट्स अ रिक्वेस्ट कि भाई अगर लाइव सेशन अगर यहीं एंड हो जाए गलती से, अगर एंड का बटन दब जाए मुझसे तो सोच रहे ना मैंने इंटेंशनली दबाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं कभी भी उठ के जा सकती हूँ खाना खाने, क्योंकि आपके ठक्कर है इन्होंने लालच दिया है बहुत गंदा वाला, ये बच्चों को लालच देते हैं बता के कि देखो ये ऐसा ही ऐसा, इमेजिनेशन में उनके इमेजिन करा देते हैं कि देखो एक फेरी टेल सुनी होगी आप लोगों ने, ये बस वही है मास्टर है उसके और बस सुना दिया ये आपको बिल्कुल। ओके ठक स्लो कनेक्शन, ओके ओके ड्रॉ कर लिया, हम लोग चेक करते हैं हो सकता है तो कंटिन्यू करते हैं ठीक है। तो रोल्स में सोए मेरा पिक्सेलेट हो रहेगा वीडियो, ये सही है अभी? हाँ अभी थोड़ा मतलब बीच में कनेक्शन एरर आ गया था, अब बेटर है। अच्छा ओके, तो फिर एक तीर तो सोए में हो गए, और फिर मेरे पास है पनीर में, पनीर फ्रेंकी एक हमारा बहुत टेस्टी चीज है वो, उसमें क्या है ना बाकी कहीं पे पनीर रोल लोगे ना, पनीर रोल में क्या है ना इतने इतने पीसेस छोटे छोटे से 4-5 पीस होंगे, बाकी में अनियंस होंगे, प्याज होंगे और बाकी सब चीजें होंगी, वो तो है उसमें। लेकिन पनीर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है ना, वो फालतू सामान वेजीज तो है लेकिन कम है, ये नहीं कि वेजीज का कमांड इतना पनीर इतना सा है, नहीं अपने वेजीज इतनी है पनीर इतना है रोल से, और जूसी है वो, जूसी है, क्रीमी है, और बस बस मत पूछो क्या क्या है वो। मैं जाता हूँ, मैं रोज एक रोल खाता हूँ अपने, कभी कभी तो मैंने आज रो देना है कि मेरे पास कुछ नहीं मिला और मैं सच्ची में आपको बहुत वर्क करने वाला हूँ रात भर, या जब तक आपकी फूड ट्रक ओपन नहीं होगा, मैंने क्यों लाइव सेशन किया भैया के साथ, नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी भूल हो गई करके, उन्होंने तो इतना गंदा लालच दे दिया है, इतना गंदा दे दिया है, सच में कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, या तो मैं आपके घर आ जाऊंगा अभी, या तो बना देनी पड़ेगी दो बना, आज तो मेरे अभी दाल रोटी बनी है, मेरे वो सब्जी तो मैंने भी वही खाऊंगा जब होगा ना, तो भैया सोए चार के आगे भैया दाल रोटी बात मत करो भैया, हम नहीं हो पाते भैया, बहुत सेम सेम ब्रो बिल्कुल। और फिर हाँ अब चलो अब हम लोग उस पर करते मेन्यू पे, और भाई गाइस हमारे पास एक बर्गर में वैरायटी है, मेरे पास नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर है जो कि मैकडोनल्ड्स से बेहतरीन है, क्यों? क्योंकि आप कहीं भी बर्गर खाते हो ना, बर्गर के अंदर जो आपको पैटी मिलती है ना, अंदर की जो आलू टिक्की होती है,
वो सौगी मिलेगी आपको कहीं भी खाओगे आप। लेकिन मेरे ट्रक पे जब आप खाओगे ना, आपको बर्गर की टिक्की ना इतनी क्रिस्पी मिलेगी ना, मतलब अगर आप बाइट मारोगे तो बन तो ऊपर का सॉफ्ट है, जो उसके अंदर की पैटी है ना वो क्रिस्पी से ऐसे होगी। वो भैया मेंशन नहीं कर रहा है ना, मैंने मेन्यू पूछा है इससे, हम मेन्यू करके बताऊं तो बेचारे बहुत और जिस और जिसका आप से आपको बात बोलेंगी कि किसने हमारे बच्चे को बेकार दिया, वो मान ही नहीं रहा है। नहीं मानना पड़ेगा। और जो जो जैसे क्रंची जिसको नहीं चाहिए उसके लिए जूसी वाला बर्गर है, जो आपने देखा होगा ना, जो फूड फूड या ऐसे जो चैनल्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल मतलब अमेरिका के ट्रक ट्रक्स का दिखाते हैं कि भाई वहां पे बन कटा, बन पे मस्त वो मेल्ट मेल्ट करके फिलिंग डाली, ऊपर से चीज लगाया, वो सेम बर्गर मेरे मिलते हैं। गुरुजी अभी अभी हम सुन ना पाएंगे, आप नहीं सुन पाएंगे भैया, आप नहीं सुन पाएंगे। आप मेन्यू बता दो बस हमारे बेचारे बच्चों को, जो हमारे फॉलोअर तो फैन बोलेंगे, वो मेन्यू बता दो, अंदर का मत बताओ, वो आगे खाने में टेस्ट कर लेंगे। अच्छा अंदर एक तो लास्ट, ठीक है एक तो लास्ट चीज और है, अगर जिन लोग के लिए क्या है, जिन लोग को कुछ हैवी खाना है, लोगों को क्या होता है ना फास्ट फूड में मोस्टली क्या होता है, लोग एक तो पोर्शन साइज रखते हैं कम, जैसे कि क्या लोग दो बार लें चार बार लें, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास सब चीजों का अलग पोर्शन साइज है। और जिसको किसी को हैवी चाहिए कि भाई पेट भरना है उसको एक आइटम लेके, ये नहीं कि चार चीजें लेनी उसको दो बार खाया तब पेट भरेगा, ऐसा नहीं, तो वो क्या कर सकता है, वो कुलचा ले सकता है। हाँ आप सही है, हेलो, हाँ अब आ रही है, क्लियर है क्लियर है। हाँ तो हमारे पास ऐसा है कि कुलचा रहता है, स्टफ कुलचा। स्टफ कुलचे में क्या सीन है, दो कुलचे हैं उसके बीच में छोले लगाते हैं हम लोग, हमारे खुद के बने हुए, वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई एक कुलचा खरीदता है वो अराउंड 50 रुपीज का है, 50 रुपीज में चार पीसेस आते हैं, इतने हैवी होते हैं ना भाई, वो तीन पीस में उसके लोग खा पाते हैं। फिर लोग एक बोलते हैं कि भैया एक जो पीस बचा इसको पैक करके दे दो, तो सिंगल बंदा अगर 50 रुपये में उसका पेट भर रहा है, और टेस्टी और हेल्दी और छोले मिल रहे हैं प्रोटीन से भरपूर, और क्या चाहिए उसको भाई। और हाँ हमारी सारी चीजों के साथ हमारी बेस्ट है चटनी, तो चटनी जो है ना भाई सॉसेस का खेल होता है सारा। नॉर्मल टोमेटो केचप तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन ग्रीन हमारी चटनी है धनिया और मिर्च वाली, इतनी अल्टीमेट चटनी है ना भाई वो छोले के साथ भी, वो कुलचे के साथ भी आती, बर्गर के साथ भी। हाँ स्प्रिंग रोल्स, पहले एक स्टार्टिंग में क्या हुआ था, थोड़ा बहुत स्प्रिंग रोल्स हमारे बीच में एक दो बार वैसे निकलाए थे सौगी, थोड़ा सा लोगों ने स्प्रिंग रोल्स को बोला कि नहीं हमने चेंज किया, हमने स्प्रिंग रोल्स कर दिए क्रिस्पी, तो इतने क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स। और ओहो और हमारी वो शेजवान, हम लोग शेजवान और देते हैं सॉसेस में, तीन सॉस लोग, टमाटो केचप तो ऑप्शनल रखते हैं, किसी को चाहिए तो देते हैं, नहीं तो हमारी खुद की होममेड सॉसेस हैं, शेजवान और ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी तो सब लेते हैं, बाकी शेजवान ये है कि इतनी स्पाइसी होती है, टेस्टी है ना भाई, कुछ कहने की नहीं। तो स्प्रिंग्स के साथ शेजवान जाती है हमारी, बहुत बढ़िया। और ठीक है स्प्रिंग हो गया, बर्गर हो गए, रोल्स हो गए। हाँ सैंडविच में एक तो रेगुलर सैंडविच है जो नॉर्मल सब जगह मिलता है, वो वाला अपना जैसे आप कहीं भी खाओगे, ड्रीम्स पे खाते हो या बिग बन पे खाते हो सैंडविच, एक एक वो जो व्हाइट सैलेड है कोल्ड स्लो, मतलब बेसिकली उसको कोल्ड स्लो सैंडविच बोलते हैं, जो हेलो व्हाइट क्रीम्स टाइप का स्टफिंग मेयोनीज से वो रहता है, एक तो रेगुलर सैंडविच है, उसमें भी हमारा सेम सीन है, बाकी सब जगहों से एक्स्ट्रा ज्यादा स्टफ्ड होता है वो, और क्रिस्पी होता है, बटर से सिका हुआ होता है एकदम, बटर बटर में एकदम, और बढ़िया। और एक दूसरा सैंडविच है हमारा स्पिनिच एंड कॉर्न, स्पिनिच एंड कॉर्न उन लोगों के लिए जिनको चीज पसंद है, जो चीज के शौकीन है, जैसे कि मैं खुद। और मैं अपना सैंडविच जब खुद खाता हूँ तो मैं खुद बनाता हूँ, उससे खड़े होकर बनवाता हूँ, मैं कहता हूँ अपने वर्कर से कि भाई तू बना सैंडविच, और मैं खड़े होकर देखता हूँ ना, क्योंकि मैं तो देखो एक्स्ट्रा चीज खाता हूँ, मेरे को चीज एक्स्ट्रा पसंद है, लेकिन नॉर्मल जो सैंडविच है उसमें भी लोडेड चीज होता है, तो वो क्रीमी क्रीमी और चीजी से सब पसंद है सामान, वो स्पिनिच एंड कॉर्न दे सकता है। ठीक है सैंडविचेस में ये हो गया अपना, रोल्स में हो गया। हाँ और कभी कभी हम लोग चाइनीज में एक आध दो चीज रख लेते हैं, जैसे चिली पनीर हो गया संडे, या कभी चिली पोटैटोज रख लिया। एक्चुअली हो गया ना मेरे यहाँ, जैसे मैंने देखा नोटिस किया है, मेरे यहाँ चाइनीज का डिमांड उतना नहीं है, क्योंकि लोग मेरा जो हमारी चीजें रोल्स हो गए स्नैक्स हो गए उनको वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, बर्गर हो गए बर्गर लोग बहुत प्रेफर करते हैं, तो ये सब चीजें हैं। अब चाइनीज में क्या है ना, हम लोग बहुत लिमिटेड क्वांटिटी रखते हैं, उतना ही जाता है, तो चाइनीज का हम लोग मेन फोकस हमारा चाइनीज पे नहीं रहता, हमारा जो खुद का है ना होममेड चीजें उस पर ज्यादा फोकस रहता है मेन्यू में।
बस और मेन्यू में क्या है। हाँ कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जब मेरे जब घर में कुछ बढ़िया आइटम बनता है तो वहां पे मैं वो जरूर रखता हूँ। अब एक टाइम क्या था, एक टाइम मैंने वहां पे रखी थी दाल बाटी। दाल बाटी क्या है ना, दाल दाल बाटी राजस्थानी होती है, राजस्थानी दाल बाटी बाटी मेरी मासी थी, मासी ने बनाई राजस्थानी दाल बाटी। मैंने बोला मासी थोड़ी ज्यादा सी बनाओ, मैं ट्रक पे लेके जाऊंगा। मैं लेके गया भाई साहब, एक दिन रखी। सिंह भाई, हाय सिंह भाई, थैंक्स ब्रो। तो वो फिर वहां पे एक अंकल आया, वो मेरे से दाल बाटी लेके गए, और मौसी मेरे राजस्थान रहती, फिर वो चली गई। उसके बाद उनको दाल बाटी कभी दे नहीं पाया अंकल को। तो अंकल जब भी आते हैं मेरे पास, इतना मेरे से गुस्सा होते हैं, कहते बेटा तूने एक दिन मेरे को दाल बाटी खिलाई, उसके बाद तूने ऐसी दाल बाटी कभी खिलाई नहीं। भाई तो ऐसा है ना, तो ये चीज हम लोग आदत कभी कभी, बिगाड़ देते हो। हाँ आदत बिगाड़ने वाली बात है कि लालच दिला दिया, एक बार लालच दिला दो बस, फिर उसके बाद बेचारे बहुत गंदा होता है ये लालच। एक बार आपको कुछ मिल जाए फिर उसके बाद वो कभी नहीं मिले और आपको वो चीज बहुत पसंद आ जाए। सच बता रहा हूँ, इतनी ऐसा लगता है कि हमसे हमारी रूह छीन ली गई है। सच बता रहा हूँ, मैं सुना है काफी बार कुछ ऐसी चीजें कभी कभी मिली है वो उस दिन के बाद से वो कभी नहीं मिली। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैडबरी बाइट्स ओके कभी नहीं मिले, कभी नहीं, बस खा के रह गए हम बचपन में। जब हमें जब बड़े हुए मतलब लाइक सेवेंथ एट्थ में, तब हमें रियलाइज हुआ ओके कैडबरी बाइट्स गुड, अब हम खुद सेल्फ जाके परचेस कर सकते हैं मार्केट से। मार्केट वाले ने बोला भैया वो तो बंद हो चुके हैं। है भाई आज हमारे पास पैसे हैं, मेरे मैं खरीदना चाहता हूँ, तुम मेरे को दे प्लीज। वो कह रहे भैया बंद हो गए, प्रोडक्शन यूनिट बंद कर। स्क्वायर में आप चॉकलेट फील्ड वाले है ना। हाँ वो बाइक बिल्कुल बहुत ओ यस, ज्यादा बहुत सॉलिड होते थे वो, नहीं सही बात बिल्कुल है, उसका बहुत कोई सारी वो ऐसी नहीं था। चीजें जो मतलब सही। ये है कि एक लालच होता है ना वो आ जाती है चीज में। कुछ चीजें हमें बहुत पसंद आ जाती है पर वो हमें कुछ मिल नहीं पाती। कुछ चीजें मतलब लाइक कहीं हम जाते हैं वहां पे कोई चीज कोई डिश खा ली हमने, वो अब जब कभी नेक्स्ट विजिट पे हम या फिर आउट ऑफ स्टेशन गए वो अगर उस जगह नहीं हुई मिली तो बहुत मिस करते हैं कि यार ये कहाँ गई शॉप। वो चीजें बहुत बार हो जाती हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। वही चीजें वो चीजें वही प्लेस पे होनी चाहिए। दाल बाटी आपको रखनी चाहिए, बेचारे अंकल बहुत मिस कर रहे होंगे आपकी दाल बाटी को। अगर वो मैं लाइव पे जैसे अगर लाइव वीडियो पे अगर वो जुड़े होते हैं हमारे साथ या फिर देख रहे होते, वो जरूर आपसे बोलते कि भाई खिला दे, अब तो खिला दे, ले चल तू अब मेरे को, मैं जहां पे बन रहे मैं पे कर दूंगा तेरे को, तू ले चल। मैं उन अंकल को और ऐसे कई लोग हैं ना मेरे, अपने फ्रेंड्स को भी और जो मेरे कस्टमर्स हैं, तो अब इस टाइम पे देख रहे होंगे मुझे, या फिर जो बाद में जिसको आईडी भी कर देना है इस वीडियो का, तो देखेंगे अपने को। उन लोग के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, बोल भाई बहुत दिल से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, मैंने लॉकडाउन के स्टार्टिंग से ही भी बंद कर रखा था। मेरे को इतने फोन आ रहे हैं भाई कि दीप कब लगाओगे आप, ट्रक थक ट्रक कब लगेगा, थक ट्रक कहाँ है। मैं उन सबको बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी गाइज। मैं जल्दी ही थक ट्रक लगाऊंगा, और आप लोगों को जितना वेट करा है वो वेट वर्थ होगा। आप लोग को अल्टीमेट चीज लेके आ रहा हूँ मैं चीजें, और कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, सारा फूड एकदम हेल्दी होके आने वाला है, टेस्ट वही रहेगा बल्कि बिल्कुल एक नॉट अप हो जाएगा, बेटर होगा, और चीजें भी सब बेहतरीन होने वाली है। तो गाइज आप सब लोग, जो लोगों को इतना परेशानी हुई है, मैं उसके इनकन्वीनियंस के लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहता हूँ। मेरे पास फोन थे, हाँ, दैविक भाई, दैविक ने भी मेरे को रोज एक जोड़ के फोन किया है, भैया कब लगाओगे, कब आप आओगे। तो यार दैविक सॉरी भाई, अब बस वेट खत्म होने वाला है, जल्दी से वापस आना। एक अनाउंसमेंट फिर से कर रहा हूँ मैं, जो आप स्पेशल ऑफर हमारे फॉलोअर्स को आप दे रहे हो, जो लाइव वीडियो में मेरे साथ हमारे साथ जो भी आपके हैं और मेरे हैं वो जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्पेशल दिवाली ऑफर है, एडवांस में फ्री दिवाली ऑफर भैया की तरफ से, फ्लैट 50% ऑफ ऑन फर्स्ट डे। भैया भी डेट कंफर्म करके बताएंगे हमारी नेक्स्ट लाइव जब भी होगी, मोस्ट प्रोबेबली 25th या फिर समथिंग लाइक दैट ही होगी, तो कंफर्म कर देंगे। आप लाइव ज्वाइन करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका जैसे आपने ज्वाइन किया होगा उसका आपका नाम मेंशन होगा, तो आप अपने नाम को मेंशन करते हुए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जब आप आएंगे फर्स्ट विजिट पे आप उसको दिखाइए स्क्रीनशॉट को, आपको फ्लैट 50% ऑफ की तरफ से आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस आपका स्क्रीनशॉट ओरिजिनल होना चाहिए। प्लीज घर पे ट्राई मत करना, कोई फोटो एडिटिंग मत करना 50% के लिए,
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भैया 50% नहीं मिल रहा है, तो हमारे फर्स्ट डे पे आप भैया की ट्रक पे जाइए, उनसे बोलिए भैया मैं लाइव वीडियो पे नहीं जुड़ पाया था, भैया आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे उस टाइम पे कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिल पाएगा, आपको प्रॉपर जो डिस्काउंट होगा आपको खाने पे वो मिल जाएगा, कोई जो नहीं, आपको भैया की ट्रक से उदास होके नहीं जाना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ये तो आप सबके लिए कभी दे रहे हो, बेचारे बच्चे जो और दूसरे जो हमारे जो लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं, बेचारे जो आ नहीं पाए हैं, वो तो सोचेंगे यार हम तो बेचारे रह गए, हम क्या करेंगे, उनके तो 2 रुपयों की डिश में 2 ही डिश आएंगी। यार एक तो यार यहाँ पे लोग मेंशन कर रहे हैं ऑडियंस की नॉट एबल टू हेयर यू, नेटवर्क इशू, शायद यार वो बारिश वारिश हो रही है, मौसम खराब है। नहीं नहीं मेरे को तो आप क्लियर, मेरे से तो क्लियर हो रहे हो आप, मतलब यहाँ से तो क्लियर है लोग के पास नेटवर्क इशू हो। चलो हमारा आपका तो क्लियर है, आप जो बोल रहे थे ना जो लोग नहीं देख पा रहे इस टाइम इस लाइव में नहीं है, उन लोग के लिए 2 चीजें हैं। आप अगर ऐसा है ना तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप पहली बात तो ये जो नेक्स्ट लाइव होगा ना उस पे आप लोग को फूड ही रेविक के पेज पे खास ध्यान रखना होगा कि कब वो लोग कब वो लोग कर रहे हैं अपना अपडेट डालते हैं, और मेरे पेज ट्रक मेरे पेज आप लोग देख सकते हो जैसी वो लोग अपलोड करेंगे ऐसी मैं कर दूंगा। एक चीज तो आपको ये करनी होगी, आप नेक्स्ट लाइव जब भी होगा आप तब कर सकते हो। दूसरी चीज ये है आप फेसबुक इंस्टाग्राम और बाकी अब तो स्नैप पे भी, हम लोग तो स्नैप भी कर सकते हो, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो या स्टोरी डालो कुछ ही भी हमारे छठ ट्रक को लेके, अपना फोटो लो। हाँ मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, आप या तो मेरे ट्रक पे आओ, एक आप जो आप फूड ले रहे हो उस पे आप फूड के साथ और मेरे ट्रक के साथ एक फोटो लो, फोटो क्लिक करो और उसको हैंड टू हैंड वहीं पे इंस्टेंटली अपलोड कर दो या अपनी स्टोरी लगा लो फेसबुक पे, और खाना वो मेरे को दे देना, कोई इशू नहीं है चुपचाप। या इंस्टाग्राम पे आप कर लो, आपको वहां पे हम लोग फ्लैट 30 करेंगे, आप पोस्ट करके मेरे को दिखाओ स्टोरी दिखाओ, आपको वहां पे फ्लैट 30 मिलेगा। तो ये जो अभी इस टाइम पे लाइव है या जो IGTV में बाद में ये वीडियो देखेंगे उन लोग के लिए है कि आप लोग ध्यान रखो, जब भी आप लोग आओ आपको बस कुछ नहीं करना, अपने फेसबुक या इंस्टा पे हमारे ट्रक के साथ एक फोटो डालनी है, उसको स्नैप करना या स्टोरी लगानी है और हमें दिखाना है, हम आपका हैंड टू हैंड जो भी आपने लिया हो उसको 30% ऑफ करके आपको या तो कैशबैक दे देंगे या 30% में अगर आपको कुछ खाना हो तो वो खिला देंगे। बेस्ट है बेस्ट, ये तो मजा आ गया। अब तो लोगों को अब तो कहेंगे पार्टी हो गई, अब तो 3-4 लोग जा रहे होंगे कहेंगे 3-4 और चलो साथ में, अब तो 30% ऑफ भी मिलेगा साथ में। अरे 50% तो मिले, 50% वाले कहेंगे चलो गाँव लेके पूरा चलते हैं, भैया के ट्रक पे ढाबा बोल दो। सही है बेस्ट है, और क्या चाहिए, 50% ऑफ बहुत फ्री हो गया एक तरीके से, खाना आप फ्री में ही दे रहे हो, फ्री हो गया हमारे लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, अब तो मजा आएगा। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद सब सोच रहे होंगे कि भैया ट्रक वापस लगा रहे हैं, भैया ने लॉकडाउन में ट्रक नहीं लगाया, तो आपने सेफ्टी मेजर्स का क्या क्या ध्यान रखा, उसमें सबसे बेस्ट चीज है मतलब क्या क्या आप यूज करोगे? पहली चीज तो मेरा जो ट्रक खड़ा हुआ है हम लोग इसको फुल ट्रक को 3 बार तो फुल सैनिटाइज करा चुके हैं हम लोग, हालांकि मैंने लॉकडाउन लगने से पहले से ही 22 मार्च को मैंने बंद किया था ट्रक, तब से ट्रक यहाँ पे खड़ा है, ना उस पर कोई कस्टमर आया है ना वो कहीं मूव हुआ है, तो पहली बात तो वो इसलिए सेफ है, वो कहीं गया नहीं ना उस पर कोई आया। दूसरी चीज जब से लॉकडाउन चल रहा है मैं हर 15 डेज या 20 वैसे तो अभी मैंने 15 डेज के स्पैन में करवाया है सैनिटाइजेशन, बाकी मैंने उससे 15 मतलब 2-15 डेज से 1 महीने पहले और करा चुका हूँ, तो अब तो 3 बार तो फुल सैनिटाइज। बाकी है पहले क्या था ना मेरे ट्रक में अगर किसी को थोड़ा बहुत मतलब एंट्रेंस मेरी ट्रक के आगे स्टेयर्स लगती हैं, तो पहले स्टेयर्स के ऊपर आगे ले सकते थे खाना, अब क्या है ना वो स्टेयर्स वाला सीन क्या है ब्लॉक कर दिया है, एंट्रेंस ब्लॉक्ड है अंदर, इस टाइम पे 3 पीपल शिफ्ट चल रही है हमारे यहाँ, मतलब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है ना सिर्फ एक कुक है वो अंदर से फूड प्रिपेयर कर रहा है और एक डिलीवरी बॉय है और एक कैश कलेक्टर, कैश कलेक्टर यानी कि मैं आपको स्लिप्स दूंगा आपको आपको और आपकी स्लिप बना के मैं अपने कुक को बता दूंगा उसको ये बनाना है, वो कुक रेडी करेगा। और अभी इस टाइम पे क्या ना हालांकि डाइनिंग चालू कर दिया है लेकिन हम प्रेफर कर रहे हैं अभी भी डिलीवरीज, अगर डिलीवरीज हो तो बेटर है, ताकि आप
अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है डाइन इन, तो हम डाइन इन भी करवाएंगे, आप आके खड़े होकर खा सकते हो, अपने किचन में खा सकते हो। और तो ये मैं अपने कुक को बताऊंगा, आप मुझे कैश देंगे, मैं अपने कुक को बताऊंगा, कुक मेरा रेडी करेगा और वो फूड उस डिलीवरी बॉय को देगा जो कि वहीं पे अंदर ही है। उसका काम सिर्फ क्या, फूड हैंडलिंग, वो फूड पकड़ के आपको फूड आपके ट्रांसफर कर देगा आपके पास। और सैनिटाइजेशन स्टैंड हमने कर मंगा रखा है, बाकी हमारे हम लोग, मैंने तो अभी से नहीं, जब लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था मार्च से भी पहले से मेरे पास सैनिटाइजर हमेशा रहता था वहां पे, सैनिटाइजर टिश्यूज और वो मैं हमेशा रखता था आगे। अभी तो लोगों ने अब नेटवर्क एरर पता नहीं कुछ हो गया था तो वो रिस्टार्ट करना पड़ा मुझे, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात, नो प्रॉब्लम, व्यूअर्स के लिए हम लोग सॉरी बोलना चाहेंगे। हाँ, मैं वही बोल रहा था, सैनिटाइजर्स तो हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं, हमारा जो कुक आता है, देखो मेरे पास कहना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्टाफ है मेरा, तो हमारे पास सबसे बेस्ट पार्ट ये है हम लोग हर एक को मॉनिटर कर सकते हैं अच्छे से। दोनों आते हैं मेरे जब भी किचन में, उन लोग का वो होता है मेरे पास, मैंने रखा है उनका टेम्परेचर, ठीक बेस्ट है ना यार, नेटवर्क इशू आ रहा है, तुम्हारा वीडियो फ्यूज हो गया तुषार। ओके, तो उनका टेम्परेचर लेते हैं, उनको कराते हैं, उसके बाद किचन में एंट्री होती है उनकी, और जब ट्रक लगने के बाद भी उन लोग को फुल डी सैनिटाइज करा सकता है। और हाँ, ट्रक पे मेरे अभी से नहीं, पहले से ही हम लोग हेयर नेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, शू कवर्स यूज करते हैं, और ग्लव्स हम लोग पहले ग्लव्स भी यूज करते थे, बीच में हमने बंद कर दिया था, अब हम दोबारा से ग्लव स्टार्ट कर रहे हैं। तो खाना पूरी तरह अनटच्ड खाना है, खाना ना तो किसी ने छुआ है ना किसी ने टच किया है, वो एकदम फ्रेश हाइजेनिक और क्लीन कस्टमर्स के पास जा रहा है। तो सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी टेकन है और कोई इशू है ही नहीं, आप आराम से आओ खाओ, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एंजॉय करो। तो ये चीज है, बस गंदगी कस्टमर्स ना फैलाएं वो ज्यादा उनसे वो। और हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना, देखो एक चीज आपको बताऊं, हम लोग बॉक्सेस यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जैसे किसी किसी आउटलेट पे आपने देखा होगा बॉक्सेस का यूज हो रहा है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस। अब देखो कार्डबोर्ड बॉक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, उनको कैसे रखा जा रहा है, फिर उनको मैं भी डोमिनोज से डोमिनोज पे मैं जब भी जाता हूँ ना, मैं उनसे बॉक्स में कभी पिज्जा नहीं लेता, अब हाल फिलहाल तो मैं उनसे सिर्फ सीधे उसमें ट्रे में ले रहा हूँ पिज्जा, और उनके नीचे उसके नेट के साथ जो उसके नीचे वो लगा होता है कोस्टर के ऊपर ही पिज्जा ले लेता हूँ मैं। क्यों, मेरे को नहीं पसंद की बॉक्स, भाई मेरे को नहीं पता बॉक्स में क्या है क्या नहीं है। तो हमारे क्या वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेज यूज नहीं होते पैकिंग के लिए, हमारे क्या सीधा फॉइल यूज होता है, फॉइल रोल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसी में हमारा सारा फूड पैकेजिंग होती है और वही हम लोग सीधे ट्रांसफर करते हैं। तो एक चीज ये हो गई, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है ना। तो फिर अब ये सारे सेफ्टी मेजर्स हम लोग लेके चल रहे हैं और बस, मतलब ऑलरेडी मतलब आपने काफी ज्यादा मतलब सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमारे जो भी आपके पास आता है खाने, मतलब आएगा इन फ्यूचर, तो वो पूरी सेफ्टी के साथ ही, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई एक इश्यू भी रेज नहीं कर सकता कि भैया ये कमी है आपके इधर, ये भी नहीं होना चाहिए, तो सब चीजें सैनिटाइजेशन भी पूरा प्रॉपर होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स भी पूरे होने चाहिए। ये आपका सही है कॉन्ट्रीब्यूशन की
आपके जो भी कस्टमर्स हो उनको प्रॉपर सैनिटाइज करके ही, उनको भी हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए आपसे खाना ले, मतलब ये है कि कोई से भी आप इंट्रैक्शन हो आपका जिससे भी, आपको अपने आप को सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज करना। और दूसरी चीज ये है कि फूड को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, फूड अनटच्ड है, हाइजेनिक कंडीशन में बन रहा है। अब सीधे फूड अपने प्रिपरेशन जगह जो स्टेशन है या खाना बनता है वहां से सीधे कस्टमर्स के मुंह तक जा रहा है और बीच में कहीं पे टच नहीं हो रहा है, तो अब हाइजेनिक का है बिल्कुल वो, फिर आप इजीली उसको खा सकते हो, बिल्कुल सेफ हो गया आपका फूड, आप खा सकते हो, आप तो खिला दो, अब तो आपको जल्दी ही ओपन कर लो और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको खुशखबरी दे दो कि ठक ठक बिल भी बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल यार, जल्दी हम लोग टाइम का नहीं बता, टाइम इवनिंग है हमारे, क्या ना टाइम जो स्लॉट है वो इवनिंग का रहता है हमारा 5 to 10। अब क्या है ना थोड़ा सा हम लोग इवनिंग में, रात को हम लोग थोड़ा जल्दी कम करने वाले हैं बाबा, इतनी देर से क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई, मैं क्या करूं इसी भाई, ये बंदा इतना मस्त है, इसके साथ बात करने में इतना मजा आ रहा है कि अब लाइव करने का इन्होंने भाई मैंने नहीं करा था, लेकिन रेसिपी डिस्कस करते करते मेरे को बहुत गुस्सा आने लगा, फिर मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया, मैंने कहा बात ही मत करो, दूसरे टॉपिक पर बात कर लो, क्योंकि जब कुछ मिलना नहीं है अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन तक तो कुछ भी, 5 दिन तक तो कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं हमारे भी, हम कहीं आपके पास क्या करेंगे आके भी, जब तक हमारा ट्रक ही नहीं ओपन होगा तब भी कुछ होगा ही नहीं, आप बताइए 25th को खुलेगा, आपको तो 25th को ही आना है, आप 25th का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, वेट करो। और बाकी है कि अगर डेट आगे पीछे होती है, अगर डेट आगे पीछे होती है तो हम लोग आपको लाइव जाके बता देंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा भाई, भाई और आप लोग भी अपने फॉलोअर्स को बुला लेना, मैं अपने फॉलोअर्स को बता दूंगा कि इस डेट को हम लोग करने वाले, आप जरूरत ही मत करने देना, जो है कर दो आप पहले ही कर दो, कुछ कंप्लीट कर दो मेरे फॉलोअर्स को, मेरे को भाई जल्दी देंगे यार, जल्दी देंगे, पहले ही ओपन कर दे रहे हैं, आ जाओ एक दिन पहले, मतलब वो दिन ट्रायल, हम एक ट्रायल पे निकले, फिर उसके बाद आप 3-4 दिन बाद खोले ना, कोई इश्यू नहीं, आप एक ट्रायल पे आ जाओ कि एक ट्रायल ही हमारा फूड ट्रक पे देखने के लिए कि हमारे कस्टमर्स हैं या नहीं है उतने, तो वो चीजें कर लो, ठीक है ठीक है, बेचारे बच्चे जो घर पे इतने ज्यादा क्रेविंग हो रखी है उनको आपके खाने की, वो कम से कम क्रेविंग उनकी मिट जाए और अच्छी अच्छी जो आपके डिशेज है। तो कोई बात नहीं तुषार, अभी हम लोग, अब हम लोग यार मेरे को भी नेटवर्क का इशू लग रहा है, तो बताओ क्या करना है, लाइव के एंड किया जाए, हाँ लाइव हम एंड करते हैं, अपने फॉलोअर्स से बोलते हैं कि एक बार और उनको मैं अपनी जो आज का था सिनेरियो उनको एक बार और एक्सप्लेन करते रहो। हाय सिया, ओके भैया, आज हमारी लाइव वीडियो थी टैक्स विद ट्रक्स के भैया से, ठीक है, इनका जो ट्रक है वो रीओपन हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से ट्रक बंद था, रीओपन डेट आपको जल्दी पता लग जाएगी नेक्स्ट लाइव वीडियो पे, प्रोबेबली 25th of August इनकी ओपनिंग है, तो आपको जो भी होगी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो इस लाइव वीडियो से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उनको अपना लाइव वीडियो में आपका नेम मेंशन हुआ होगा उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट डे जैसे ही ओपन होगा और उसको 50% ऑफ मिलेगा इस लाइव